भारतीय रेल के हमारे जो नए कोचेस बन रहे हैं उसके अंदर एक बेजडा लगाया गया है जिसका फुल फॉर्म है आपका वेरी अर्ली स्मोक डिटेक्शन एंड अलार्म सिस्टम। ये सिस्टम एक बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम है हमारे जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। तो ये सिस्टम हमारा कैसे काम करता है इस रिगार्डिंग आपको एक डेमो दिया जा रहा है, उसके लिए श्री देश है यहाँ पे। मेरा नाम उदेश मौर्या है, मैं संगांव से रिपब्लिक से है, इसका मैं डेमो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से आप स्मोक देंगे, आगे हम लोग समझते हैं ये डिवाइस हमारा कैसे काम करता है। उसके लिए आप देख पा रहे हैं कि सबसे नीचे एक येलो लाइट है, उसके आगे लिखा है फॉल्ट, है ना। तो फॉल्ट बटन इंडिकेट कर रहा है, ये इसके अंदर लाइट ऑपरेट करता है, जबकि हमारा जब यहाँ से स्मोक को अंदर लेने के लिए इसके अंदर एक फैन होता है, अगर वो फैन वर्क नहीं करेगा तो फिर इसके अंदर आपका लाइट वो इंडिकेट करेगा। सेकंड स्टेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन है, एक्शन जो है ये तब ऑन होता है जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक फ्लैशर लाइट हमारा मीन्स कि यहाँ पर जो है आपके इंडिकेटर ये बता रहा है। साथ में अभी आपको एक साउंड भी आया होगा, है ना, वो साउंड आता है जब हमारे गाड़ियों में ब्रेक लग जाता है, ठीक है। इस तरीके के ये चार स्टेजेस हैं इसके अंदर, और ये जो पूरा सिस्टम है ये 55 सेकेंड्स में हमारा ये कम्प्लीट एक्टिवेट हो जाता है। जब ये दोनों इंडिकेटर हमारे ऑफ है इट मीन्स कि गाड़ी में हमारे ब्रेक लगा हुआ है। जैसे ही गाड़ी के अंदर से ब्रेक हमारा रिलीज होगा, जब हम इसको रिसेट करेंगे, जैसे ही हम इसको यहाँ से रिसेट करेंगे इट मीन्स कि ब्रेक हमारा रिमूव हो गया और ये दोनों लाइट्स हमारे ऑन हो गए। देखते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे सिस्टम को रिसेट करते हैं। आपके फायर को सेंस करने के, स्मोक को सेंस करने के लिए हमारे यहाँ पर सेंसर दिए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स के द्वारा भी हमारे गाड़ियों में आग लगते हैं, तो उसके सेफ्टी के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा पूरा इलेक्ट्रिक का पैनल होता है इसके अंदर भी आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक सेंसर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का स्मोक हमारा क्रिएट होता है तो ये सेंसर सेंस करके सिमिलरली आपका उसी तरीके से वो जो हमारा वेजडा का सिस्टम है ये हमारा एक्टिवेट होता है। फायर के हमको सिग्नल्स मिलते हैं और गाड़ी में हमारी ब्रेक लग जाती है और समय रहते हैं हम फिर उसको रिस्टोर कर सकते हैं। सिस्टम हमारा ऑलवेज एक्टिव रहे उस रिगार्डिंग यहाँ पर एक आपका एमसीबी दिया होता है, ये एमसीबी जो है हमारा ये वेजडा वाले सिस्टम से कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हम एक इंडिकेशन भी लगा करके रखते हैं, किसी भी कंडीशन में इसको ऑफ ना करें, जैसे ही इसको ऑफ कर देंगे ये हमारा जो एक सेफ्टी डिवाइस है ये भी साथ में वर्क करना बंद कर देगा, इसलिए इसको ऑलवेज ऑन रखने के लिए आप देख रहे हैं सेफ्टी के लिए यहाँ पर एक पेपर टेप भी लगा के रखा है। वेजडा के सिस्टम में जो हमारा ब्रेक लगता है देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा ब्रेक पैनल है वहाँ से आपका एक यही पोर्ट है जहाँ से हमारा ब्रेक प्रेशर ड्रॉप होता है और गाड़ियों में हमारे ब्रेक लग जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये आइसोलेटिंग अगर हम इसको यहां से इसको आइसोलेट कर देंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, ऐसे केस में हमारा वेजडा तो वर्क करेगा
कहने का मतलब उसके अंदर जो फायर अलार्म सिस्टम है वो तो काम करेगा, लेकिन उसके अंदर फिर आपको ब्रेक नहीं लगेगा। ऑटोमेटिक जो हमारी गाड़ियों में ब्रेक लग जाता है, अगर हम इसको आइसोलेट करके चलाएंगे तो वैसे केस में गाड़ियों में आपके ब्रेक नहीं लगेगा। इसलिए जब भी हम गाड़ी को मेंटेनेंस पॉइंट पे लेके जाएं, मे बी लूप कभी कभी ये मैल फंक्शन कर जाता है, तो वैसे हम इसको आइसोलेट करके ले आए, लेकिन जहां भी हमारा मेंटेनेंस पॉइंट है वहां पर इसको सही से मेंटेन करके ये कोशिश करना चाहिए, ये 100% एश्योर करना चाहिए कि ये हमारे सिस्टम ऑन कंडीशन में ही चले। मैं राजन मलिक, इंस्पेक्टर एसटीसी चारबाग लखनऊ। तो आज यहाँ पे हम लोग आए हैं आपको थोड़ा कोच के बारे में बताने के लिए। ये जिस कोच में हम लोग खड़े हुए हैं ये 72 बक्स का हमारा कोच है, और ये इसका पूरा देखिए कॉरिडोर है जो कि बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है, काफी बड़ी जगह नहीं है, बहुत सकरी सी जगह है। इन केस ऑफ फायर, अगर जैसे आग लग जाती है किसी तरह से, तो उसके बचने के लिए क्या होता है कि पैसेंजर्स को सारा हमारे जैसे इमरजेंसी अलार्म वगैरह बजते हैं तो आदमी पैसेंजर हमारे एकदम से भंगड़ा मच जाती है, घबराते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग गिर जाते हैं, कुछ लोग ऊपर एक दूसरे के ऊपर चढ़ के भागते हैं घबरा कर। तो ये हमारा जो पतला सा कॉरिडोर है ये काफी जाम हो सकता है, तो ऐसी पोजिशन से बचने के लिए ये हमारी ट्रेन्स में जो हर कोच में हमारी चार इमरजेंसी विंडो दी है, जैसे ये आपको दिखाई गई है। तो उस समय इस गलियारे से कॉरिडोर से भागते हुए ना का अगर जानकारी अगर आपको प्रॉपर है तो आप इस इमरजेंसी विंडो को भी यूज करके अपने आप को बचा सकते हैं इसमें। तो आज यहाँ पे आपको इमरजेंसी विंडो का डेमो देने के लिए आए तैयार हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर, कि हर कोच में चार इमरजेंसी विंडो दी गई है, खोली जाएगी। तो अशोक जी जरा आप हमको बताएंगे कि ये किस तरह से काम करता है ये लीवर, और इसको खोलने में कितना समय लगता है। ये लीवर आपका आ गया। इस टोटल प्रोसेस में हमको मुश्किल से 15 से 20 सेकंड का समय लगता है, और इसमें कभी कभी ये काफी टाइम बाद इसको खोला जाता है, तो थोड़ा सा ये हल्का सा जाम टाइप का होता है। अगर इसमें कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा और जोर लगाएंगे तो ये आराम से खुल जाता है। ये टोटल प्रोसेस हमारा 15 से 20 सेकंड का प्रोसेस है, और ये विंडो खुल जाता है, और इसमें आराम से पैसेंजर हमारा बाहर जाके अपने आप को बचा सकता है और अपने सहयात्रियों को भी बचा सकता है। धन्यवाद। ये हमारे LHB कोचेज जो लगे हैं उनका ये पावर कार है, जहाँ से कि पूरी गाड़ी में हमारा पावर का सिस्टम दिया जाता है, ठीक है। उस रिगार्डिंग ये हमारा इलेक्ट्रिकल पैनल है, और जो फायर रिलेटेड सेफ्टी है, जो सेफ्टी डिवाइसेस इसके अंदर भी लगाए गए हैं, उसको हम लोग एक बार समझते हैं कि इसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो जैसे हमारे कोचेज में था उसी तरीके का भेजता का एक यहाँ भी सिस्टम लगा हुआ है, सिमिलर वे में ये काम करता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर एक एडिशनल सेफ्टी ये दिया गया है कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, सिस्टम में क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारा एक वाटर टैंक दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी 50 लीटर्स की है, और साथ में एक नाइट्रोजन का सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर मेंटेन करते हैं। प्रेशर है कितना है इसमें इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं गेज में, इट शुड नॉट फॉल बिलो 170, इस तरीके का एक मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शंस जो है जो उसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब ये सिस्टम हमारा डिटेक्ट करता है कि इसके अंदर स्मोक्स एंड फायर, उस समय इस सिस्टम को हम यूज़ कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के लिए क्या है, एक मैनुअल एक्टिवेशन स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। इस स्विच को जब हम ऑपरेट करते हैं तब इन दोनों का मिक्सचर एक आपका फॉर्म हो जाता है, और जो हमारा इंजन का कंपार्टमेंट है
इधर आप देख सकते हैं ये जो इंजन का हमारा कंपार्टमेंट है, इसके अंदर आपके बहुत सारे पॉइंट्स बनाए हुए हैं जहां से ये इन फॉर्म्स ऑफ स्प्रे, स्प्रे के फॉर्म में ये ड्रॉपलेट्स की तरह गिरने लगते हैं और इसको पूरा कूल डाउन कर देते हैं। जो नाइट्रोजन गैस हमारा है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है और जो वाटर का स्प्रे है वो आपके इग्निशन टेम्परेचर को डाउन करता है। और ये एक बड़ा इफेक्टिव इक्विपमेंट है जो हमारे इन पावर कार्स में लगने वाले आग को कंट्रोल करता है। इसी तरीके का सिस्टम हमारे पैंट्री कार्स में भी लगा हुआ है और उनका वर्किंग भी सेम है, इसको भी हम लोग समझेंगे। पावर कार्स में जो हमारे फायर का सिस्टम है प्रोटेक्शन का, ये एक बड़ा इफेक्टिव टूल इसके अंदर दिया गया है। कुछ गाड़ियों में ये नहीं भी लगा है, जहाँ नहीं लगा है वहाँ भी इस चीज़ को लगाने का ये चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। साथ में छोटे फायर्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कुछ इस तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर्स भी होते हैं। पावर कार में 4 हम इसको प्रोवाइड कराते हैं ताकि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए फायर तो इन फायर एक्सटिंग्विशर्स से हम उसको आग को काबू पा लेते हैं। थैंक यू।